तो हम खबरें तो देते नहीं है, हम एंटरटेनमेंट देते हैं उसके साथ साथ. तो कोई भी खबर के साथ साथ ना हम अपना हल्का सा गंदे वाला पंच मार देते हैं. जिदा कि तुसी कहा कि तुसी अपने शो दे विच थोड़ी बहुत मसाला जे विच पा देंदे हैगे लोकां नूं हसाउण दे लई. इदां दा केड़ा मसाला पांदे? एमडीएच दा मसाला यार. चलो पहले मैं नव्या के साथ खेलूंगी फिर तरुण के साथ, ठीक है? ओके. अच्छा आपने आपने इयररिंग्स पहने हैं, सुंदर है ना? तुम्हारे वाल कितने लंबे है, है ना? अच्छे लगे? दिलजीत दोसांझ दी आवाज़ में तुसी ड्रैग एंजॉय कीता ओनली ऑन इंडियाज़ नंबर वन स्टेशन मिर्ची 104.8. गुड मॉर्निंग जी, की हाल चाल? आ गई मिर्ची सैम, आ गई है तुम्हारे नाल बहुत सारी गल्ला बातें करने के लिए. आई नो यार, मेरे जान का टाइम हो चुका है एंड तुसी भी मैं फिर कहोगे कि सैम सवेरे सवेरे आके गुड मॉर्निंग क्यों कह देती है. आई नो 12 बजन वाले ने यार जान का टाइम हो गया, बट टेंशन नहीं लेनी है तुसी, बस जाना है मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के पेज पर, इट्स मिर्ची सैम MIRCHI SPACE SAM. लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो एंड अपने इंस्टाग्राम के पेज पर ना मैं एक बड़ी वधिया स्टोरी पाई हुई है जिद मैं पूछा है कि जे तुहाडी एक विश पूरी हो जाएगी ना तुसी की मंगोगे. इन्ने को मजेदार आंसर्स आए ने ना यार. सो जे तुसी हाले तक अपना आंसर नहीं सबमिट किया ता जल्दी तो जाओ एंड सबमिट कर लो. बाकी मैं तुहानू मिलदी हां कल दोबारा सवेरे 7 बजे. स्टे ट्यून्ड एंड अगे चेतना आ रही है जी बहुत सारी गल्लां बातें लेके. सुंदर मिर्ची 104.8. बाय बाय, टेक केयर. हे हाय हेलो नमस्ते सात श्री अकाल, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नव्या बेरी और मैं हूं तरुण नैयर. सो गाइस आज असि पहुंच चुके हुए रेडियो मिर्ची अमृतसर दे विच मिलवान जा रहे हैं तुहाडी सब दी फेवरेट आरजे मिर्ची सैम दे नाल. और एक खास बात और, जो मिर्ची सैम जी हैं उन्हें अमृतसर की गूगल भी कहा जाता है. तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज आपने जो अपने लिसनर्स हैं उनको अमृतसर के बारे में कौन सी अपडेट दी, और उसके बाद हम चलेंगे शो के कॉन्सेप्ट के ऊपर. पर पहले ये पूछते हैं कि आज अमृतसर के बारे में कौन सी अपडेट दी. ओके सो हाय वेलकम टू अमृतसर. पहले तो हमारे अमृतसर में आते लोगों को कहा जाता है जी आया नू. थैंक यू सो मच जी आया नू. सो आज लिसनर्स के लिए अपडेट ये है कि अमृतसर के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट खुल रहा है जिसकी ओपनिंग होने वाली अभी थोड़े दिनों में. तो उस रेस्टोरेंट के बारे में मैं पहले से ही उसका स्नीक पीक देख आई हूँ, थोड़ा सा खाना वाना टेस्ट कर रही हूँ कि कैसा है, मेरे अमृतसर के लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा. तो उसके बारे में अपडेट दी कि वो खुल रहा है तो तुम जाकर देखाना. अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती. अच्छा तो आप हमें भी रेकमेंड करोगे कि हम लोगों ने भी लंच करना तो वहां जाके करें? अभी नहीं, अभी वो खुला नहीं है ना. अभी मुझे लगा जाना है लंच करने के लिए. तो कुलचा यार, कुलचा इज द बेस्ट थिंग. नहीं वो हमारे दिमाग में था बट मुझे था जैसे हम आका खाना ट्राई करके आए हैं तो शायद हमें भी उस तरीके से मिल जाए वहाँ पे खाना खाने को. ऑलराइट, तो अच्छा इस शो का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे डिसाइड हुआ? सो बेसिकली ये एक मॉर्निंग शो है जो कि ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम रहता है इंडिया वाइज. रेडियो मिर्ची एक ऐसी कंपनी है जो कि देखो मॉर्निंग शो के अंदर जब तुम न्यूज चैनल्स भी देखते हो या कहीं देखते हो तो तुम्हें होता है कि सुबह सुबह उठे हैं तो जल्दी जल्दी फटाफट खबरें पता लग जाए कि क्या क्या हो रहा है. एग्जैक्टली. तो हम खबरें तो देते नहीं है, हम एंटरटेनमेंट देते हैं उसके साथ साथ. तो कोई भी खबर के साथ साथ ना हम अपना हल्का सा गंदे वाला पंच मार देते हैं ताकि मतलब यू नो लोग थोड़ा सा हंस लें. बिकॉज रेडियो एक ऐसा मीडियम है कि लोग ड्राइव करते हुए ज्यादा सुनते हैं, जिम जा रहे हैं सुबह सुबह, वॉक करने जा रहे हैं, तो उनकी वॉक करने की जो टेंशन होती है. मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं मोटिवेशनल चीजें बोलूं सुबह सुबह कि उठ जाओ, निकलो कमरे से बाहर, जरा चाय पी लो. सो दैट्स द थिंग. कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि आई टेल अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि मेरा नाम अमृतसर की गूगल है. आई डोंट नो व्हाई दे हैव कैप्ट इट, बट चलो ठीक है. ओके, तो तुसी अपने शो दे विच लोकल दे नाल इंडिया दी भी कोई खबर जरूर दसदे हो. एग्जैक्टली. सो इंडिया दे विच की हो रहा है, वर्ल्ड दे विच की हो रहा है, स्पोर्ट्स दे विच की हो रहा है एंड एवरीथिंग. मैच हो गया, क्रिकेट हो गया एंड यू नो होर भी कोई ना कोई चीज होगी, वो सारी की सारी चीज मेरे शो दे विच आ जाती है. जिद्दा कि तुसी कहा कि तुसी अपने शो दे विच थोड़ी बहुत मसाला जे विच पा देंदे हैगे लोकां नूं हसाउण दे लई, इदां दा केड़ा मसाला पांदे? एमडीएच दा मसाला यार. देखो आपा सिर्फ मिर्च पाई दी है. रेडियो मिर्ची. एग्जैक्टली. सो हम सिर्फ और सिर्फ मिर्ची डालते हैं और कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ लोगों को ना थोड़ी सी मिर्ची लगा के वापस आ जाते हैं. बाकी उनका काम है, उन्होंने सड़ना है या एंजॉय करना है, दैट इज ऑन अप टू देम. ऑलराइट. अच्छा एक और खास बात है आपकी, वो ये है कि आप यंगेस्ट रेडियो जॉक हैं. तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका कदम कैसे पड़ा आरजे गिरी में और आप पढ़ते पढ़ते रेडियो इंडस्ट्री में आ गई हैं, मतलब आपका इतना ज्यादा
ज्यादा इंक्लिनेशन था इस इंडस्ट्री की तरफ. ओके दैट्स अ बिग लाई कि मेरा ज्यादा इंक्लिनेशन था. मैंने बहुत देर पहले रेडियो किया था, किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप किया था और मैंने सोच लिया था कि मैं रेडियो में कभी नहीं जाऊंगी, कि तो कितना मुश्किल काम है यार, पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग. सो आई वॉज लाइक वेरी फर्म कि कुछ भी हो जाए मैंने रेडियो करना ही नहीं है. बट देन इवेंचुअली आई वेंट इनटू इवेंट इंडस्ट्री और मुझे इवेंट इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा प्यार हो गया. सो आई ऑलवेज वांटेड टू गो इन इवेंट्स और मुझे काम, मुझे ऑन फील्ड रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. okay. जो कि मुझे रेडियो ने भी दिया इवेंट्स करने का मौका. सो एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे रेडियो मिर्ची से एंड विद इन आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं थी. एंड उसके एक साल के बाद मुझे दोबारा इसी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिली एंड आफ्टर 3-4 rejections, finally I got through. So, जो एक साल बीच में टाइम आया मैंने उस टाइम पीरियड में बहुत पंजाबी सीखी. okay. मैंने कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाए जिनको पंजाबी बोलनी आती थी बिकॉज आई एम अ कॉन्वेंटी. तो हमारे स्कूल में तो हमारे स्कूल के अंदर होता था कि यार बोलनी नहीं है पंजाबी. exactly. So, वो वाली चीज होती थी. तो फिर फाइनली आफ्टर लॉन्ग रिजेक्शन आई वॉज लाइक कि अब इस कंपनी ने रिजेक्ट किया ना, अब तो इसी में जाऊंगी और कर दिखाऊंगी. सो दैट इज हाउ आई केम इन टू मिर्ची एंड बिकॉज आई लव टॉकिंग. तो मुझसे सर 10 घंटे भी बात कर लोगे ना, मैं कर सकती हूँ. सो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मेरी मॉम को सिर्फ एक ही कंप्लेन मिलती थी, आपका बच्चा बहुत टॉकेटिव है. सेम है. और एक्चुअली क्या होता है कि हमारी फील्ड के जो लोग होते हैं ना, इनके जो लक्षण होते हैं वो स्कूल टाइम से ही नजर आने शुरू हो जाते हैं बिकॉज पेरेंट्स यूज टू हो चुके थे, अच्छा यार ये तो पता है, कोई नई बात बताओ. एग्जैक्टली. कंप्लेन नहीं मिलती थी, सिर्फ यही बोला जाता था आपकी बेटी बहुत टॉकेटिव है. सो मैंने सोचा कि यार अब बातों का ही खा लेते हैं फिर और exactly. क्या करें, उसी के पैसे कमा रहे हैं हम लोग आज. गाल फिर होते ही अंधी, हमारा अंदाज ही कुछ ऐसा, जब बोलते हैं तो बरस जाते हैं, ना बोले तो लोग तरस जाते हैं. क्या बात है, शायर किस्म के इंसान बैठे हमारे साथ. अच्छा तो आड़ा शो पाकिस्तान दे विच भी चलता है गा ना? Right, so range तो cover कर लेती है. आंदिया है गया, है गया. Right. ते किधर लगता कि तनु उसे कदी किसने कहा लगदी लाहौर दी है, लगदी पंजाब दी है? नहीं ऐसा तो नहीं होता है, बट हाँ रेंज काफी ज्यादा कैच कर लेती है बिकॉज बॉर्डर एरिया है यहाँ पे. तो लाहौर, पाकिस्तान, इस्लामाबाद वाली साइड काफी ज्यादा आ जाता है, काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है वहाँ पे, लोग रोज कॉल करते हैं. जी एग्जैक्टली, बिल्कुल संदेशे आते हैं और संदेशे आकर लोग रोज सुबह फोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, या फिर आज आपने ये चीज बताई, या फिर सो पीछे जब अटैक्स काफी ज्यादा हो रहे थे ना, तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आए और मुझे बहुत सारे कॉल्स के अंदर ये कहा गया कि मैम हम चाहते ही नहीं है कि लड़ाई होए. और यू नो बहुत जो लोगों के बीच में माहौल था ना वो काफी अच्छा था. okay. और रेडियो एक ऐसी चीज है जो हमें एक्चुअली में बताता है कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ के लोग क्या नहीं सोचते. सो जो एक्चुअल मेंटालिटी थी वहाँ के लोगों की, उन्होंने ये कहा था मैम हम लड़ाई चाहते ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है कि लड़ाई होए. सो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं, मैम आप बहुत अच्छा शो करती हैं एंड ऑल दैट. नहीं बिकॉज कहाँ भी जाता है, और ये चीज फैक्ट भी है कि बॉर्डर के उस पार भी हमारे जैसे ही लोग रहते हैं. एग्जैक्टली, आई टोटली अग्री विद इट. मजा सिर्फ तब आता है जब जवान तुम्हें कॉल करते हैं एंड यू नो पीपल फ्रॉम आर्मी एंड मिलिट्री कॉल यू. जब वो सुबह सुबह उन्हें अगर कभी टाइम लग जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ मैम हमने आपको सुना, हाँ मैम हमने, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है मुझे. सो देयर इज दिस वन लाइन जो मैं अपने हर लिंक के अंदर बोलती हूँ, दैट्स कॉल्ड गुड मॉर्निंग आ गई. क्या बात है. सुबह सुबह मैं ऐसी बोलती हूँ आ गई. एंड एक बारी ऐसी किसी कर्नल मुझे मिले और उन्होंने मुझे बोला आप वही है ना जो सुबह सुबह बोलती आ गई. बहुत ज्यादा अच्छा लगा. तुसी भी कहना आला चक में आ गई. उन्हें क्या सीखा, आ गई मेरा डायलॉग है, मैं पेटेंट करा लेता है. okay. सही है. अच्छा जैसे आपको बॉर्डर के उस पार से भी कॉल्स आते हैं, तो कोई एक ऐसा कॉल जो आपके दिल को छू गया हो जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? सो बेसिकली मेरा एक कॉलर है लाहौर पाकिस्तान दे विच एंड ही इज ब्लाइंड. He's only 17 years old and वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दे विच भी काम करता है, मतलब उसे खेलता है ब्लाइंड क्रिकेट टीम दे विच. एंड वो हर रोज मैनू कॉल करेगा एंड कॉल करके सिर्फ एक ही चीज कहेगा, सैम मैम मेरी ना अटेंडेंस लगा लो, मैं ना आपको सुन रहा हूँ. सो एवरी डे ही कॉल्स मी, बिन नागा ही कॉल्स मी एंड ही सेज मी कि मैम मैं ना मेरी अटेंडेंस लगा लो, मैं आपको सुन रहा हूँ. ओके मैंने आपकी अटेंडेंस लगा ली. सो मुझे अपनी लाइफ के अंदर लगता है कि अगर मुझे कोई भी इंसान नहीं सुन रहा ना, मुझे वो एक इंसान सुन रहा है, तो मैं उस सिर्फ एक इंसान के लिए अपना शो बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ कि
यार वो इंसान ने मुझे कॉल करके सुबह बोला है कि मैम मैं आपका शो सुन रहा हूँ, आप मेरे को बातें सुनाओ. सो आई जस्ट कीप दैट वन पर्सन इन माई माइंड कि हाँ यार कोई मुझे सुन रहा है. बिकॉज इवेंचुअली तुम्हें रेडियो पर नहीं पता होता कि कोई तुम्हें सुन रहा है या नहीं सुन रहा है. सो वो इंसान मुझे रोज फोन करके यही बोलता है, मैं आपको सुन रहा हूँ मैम, बोलो आपने जो बोलना है. तो मुझे बहुत खुशी होती है. दैट्स लाइक अ फैन गर्ल मूवमेंट. बहुत मजेदार है वो. बहुत बढ़िया. अच्छा तो जिदा कि सानू पता कि शो भी रहता है, मतलब कॉन्टेस्ट रहता है सवाल पे सवाल. Yes. है ना जिदा कि अपने सनी देओल भाजी कहते तारीख पे तारीख, तुसी कहते सवाल पे सवाल. आपको कुछ सवाल पूछूंगी, आपने उनका जवाब हाँ ना यस नो आई डोंट नो में नहीं देना. ठीक है. ऑल राइट. ठीक है. इसके अलावा आप कुछ भी बोल सकते हैं. हाँ नहीं कहना है ना, बस हाँ नहीं कहना. हाँ जी नहीं जी भी नहीं कहना. ठीक है. मतलब हाँ देखो इंटेलिजेंट कुड़ी. हाँ जी नहीं जी पता नहीं आई डोंट नो यस नो. जे तुम होर कोई लैंग्वेज आती है ओदे विच भी हाँ ना नहीं कहना. ठीक है. ये नहीं समझ के मैं तो इल्ले ही कहना सी तदे कह रही है. ठीक है. सो ओदे विच जे तुसी कहोगे तो आउट हो जाओगे. ठीक है. ऑलराइट. अच्छा कितना टाइम मिलेगा हमें आंसर करने के लिए? देखो जब तक आप हार नहीं जाते आपको जल्दी जल्दी आंसर देने हैं. ठीक है. रेडी. रेडी. नव्या एंड तरुण आर यू गाइस रेडी? रेडी. चलो पहले मैं नव्या के साथ खेलूंगी फिर तरुण के साथ. ठीक है. ओके सो क्या आपका नाम नव्या है? ये तो सच्ची बहुत डिफिकल्ट है. आई थिंक सो. अच्छा आपने आपने इयररिंग्स पहने हैं. सुंदर है ना? बहुत सुंदर है. तो सी रेड कलर दी लिपस्टिक लगाई है? ब्राउन रेड कुछ मिक्स मिक्स सा शेड है. एंड माइक भी लगे हुआ है तुम्हारे को? मोटा सा है ना? अब बहुत मोटा है. तुम्हारे बाल कितने लंबे है? है ना अच्छे लगे. मैंने पता की लग रहा है मैं पहले क्वेश्चन अच्छे लगे क्वेश्चन मार्क. मैं पहले क्वेश्चन से आउट होने जा रहे हैं. चलो ओके रेडी तरुण? रेडी. अरे ओके सो की तुम्हारा नाम तरुण है? तरुण जी. की करते हो? एमएससी कंप्यूटर साइंस. ओह माय गॉड. मतलब तुम्हें कंप्यूटर चलाना आंदा होएगा? बिल्कुल आंदा. मतलब तुसी वर्ड भी चला लेंदे हो? वर्ड मैं थोड़ा आ भी लेना. अच्छा माइक लगे होया है ना? माइक लगा होया जी. अच्छा साडे ऑफिस दे विच एसी लगे है? लगा होया एसी नी. अच्छा तुसी स्पेक्स पाई है? मैं एनक पाई हुई है. इनु स्पेक्स नहीं कहंदे? स्पेक्स भी कहंदे. अंग्रेजी अंग्रेजी दी गल है. अच्छा तुसी कॉलेज नहीं जांदे होगे ना? कॉलेज तो मेरा खत्म हो गया. ते गड्डी विच कदे भी नहीं आए? गड्डी विच तो मैं रोज ही आना. क्या बात है तरुण. वेरी गुड वेरी गुड. सही है सही है सही है. कभी कभी कुछ चीजें के लिए कुछ हारना पड़ता है. बढ़िया यार. पासी कर कहते हैं. मजा आया बहुत मजा आया. वैसे जितना मुश्किल लग रहा था ना हमें कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, हम लोग तो पहले सवाल में हमारा मतलब अच्छी तरह से बेइज्जती होने वाली है ऐसा था नहीं. बड़ा मजा आया वैसे ये खेल के. वैसे मैं उस टाइम कहने से कि मैं एंकर है मेरे एमएससी कंप्यूटर साइंस माइंड चला मैं बोलती क्योंकि मैं कितनी एमएससी कंप्यूटर साइंस हुई है. मतलब कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम कौन से प्रोफेशन में हैं. नहीं नहीं प्रोफेशन नहीं भूलते. कुछ भी होते हैं पुरानी की याददाश्त वापस आ जाती है. ओके ठीक है. अच्छा तो आप अमृतसर के बारे में लोगों को ऐसी बातें बताते हैं जो उन्हें नहीं पता होती. तो आज हम अमृतसर आए हैं, हमें आप ऐसी कौन सी बात बताओगे जो आपको लगता है कि हमें नहीं पता हो सकती? सो बेसिकली मैं अमृतसर के बारे में ज्यादा बातें नहीं बताती हूँ, लेकिन अमृतसर की जगहों के बारे में बताती हूँ. सो बहुत सारे लोगों को ये सिर्फ यू नो गलतफहमी होती है कि अमृतसर आए हो तो आपको खाली जलियांवाला बाग जाना है एंड गोल्डन टेम्पल जाना है एंड वाघा बॉर्डर. तो ये तीन जगहें हैं जो लोग यू नो कहते हैं कि हम जाएंगे. बट ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ यू नो यू कैन जस्ट गो अगर आपके पास ज्यादा दिन है. ठीक है आप दो तीन दिनों के लिए आ रहे हैं और आपको घूमना है एंड ऑल दैट. सो सीला मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम जा सकते हो. अदरवाइज देयर इज वेरी ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर जिनको हिस्ट्री का शौक है. एक मंदिर है गुरु बाजार वाली साइड के अंदर, आप वहां पे जा सकते हैं. खाने के लिए आपको कौन कौन सी जगहों पे जानी है? ऑब्वियसली यू नो गूगल इज हियर तो आपको बता देगी. लस्सी पीनी है तो कहाँ से पीनी है? पाव भाजी खानी है तो कहाँ से खानी है? बेस्ट चिकन कहाँ मिलेगा? एवरीथिंग. इतने मुड़ जाओगे ना पिंगलवाड़े वाली साइड लगी होगी पक्का. अच्छा नहीं नॉन वेजिटेरियन को साइड पे रखे क्योंकि हमें से कोई नॉन वेजिटेरियन खाता नहीं है. okay, मैं तो भी नहीं खाती हूँ. आई एम अ प्योर वेजिटेरियन लेकिन फिर भी मुझे हर चिकन की दुकान पता है बिकॉज लोग मुझे आके पूछते हैं मैम बेस्ट बटर चिकन कहाँ मिलेगा. राइट एग्जैक्टली. सो सैमन पेडल्स एक डिजिटल सीरीज सी जो मैं शुरू की सी जिदे 15 एपिसोड आप कंप्लीट किए एंड उन्होंने 15 एपिसोड दस कि अमृतसर के जगह
ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਬਾਗਾ ਐਂਡ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਟਸ ਔਨ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਡ बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तुसी फेसबुक पे देख सकते हो अच्छा क्योंकि अभी खाने पीने की बात हुई थी मेरे मुंह में पानी आ गया लस्सी कुलचे भटूरे चने सोच के मतलब भटूरे चने इन्होंने कहा नहीं पर मेरे को सोच के मुंह में पानी आ गया तो आप मुझे बताओगे जरा कौन सी जगहें हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए अगर हमें पीनी है लस्सी अगर मुझे खाने हैं कुलचे तो कुलचा लैंड ऑफ कोर्स नो यू शुड गो टू मोनू सो जे तुहानू लोहारका रोड वाली साइड पे मोनू इज अ वेरी फेमस कुलचा वाला और वो बहुत ही अच्छे कुलचे बनाता है बिल्कुल पतले क्रिस्प यम्मी एंड मिर्च तुम्हारे अकॉर्डिंग उसके पास बहुत तरीके के कुलचे हैं मिर्ची वाले पनीर वाले आलू वाले एनीथिंग अगर तुम्हें आटे वाला कुलचा खाना है बिकॉज अमृतसर के अंदर मैदे वाला कुलचे मिलते हैं yes, yes, अगर yes. आटे वाले खाने हैं तो रीगल इज अ प्लेस गोपाल मंदिर वाली साइड के ऊपर तुम वहां पे जा सकते हो सेलिब्रेशन मॉल के पास ठीक है लस्सी भी नहीं है तो भाई श्या मतलब ज्ञानी लस्सी ज्ञान की लस्सी पी सकते हैं एंड व्हाट एल्स डू यू आस्क फिरनी खानी है तो केसर चले जाओ अहूजा चले जाओ दोनों की फिरनी बहुत अच्छी है एंड छोले भटूरे तुम्हें जगह जगह पे मिल जाएंगे अमृतसर के पानी में इतना प्यार है कि कहीं के भी छोले भटूरे खा लो मजेदार है अच्छा चले यार अब तो इंतजार नहीं हो रहा इस इंटरव्यू के बाद सीधा ही हम लोग जा रहे हैं सब कुछ खाने मुझे नहीं पता कि कितना खाया जाएगा पर आज अमृतसर आए हैं तो एपेटाइट बड़ी रख के आओ किसी ने भी आना है अमृतसर तो एपेटाइट बड़ी रख के नहीं आई डोंट थिंक तुम्हें बड़ी रखने की जरूरत है अमृतसर का पानी इज सो गुड कि अगर तुम सुबह कुलचा खा लोगे एंड यू हैव अ गुड ग्लास ऑफ वाटर तुम्हें भूख लग जाएगी दोपहर तक तुम फिर छोले भटूरे खा सकते हो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है मतलब चलेगा ऐसे भी चलेगा एग्जैक्टली ये आप कर ली खान पीन की गल है ना सारे शोज बारे गल कर ली सब कुछ कर बहुत पसंद है Okay. I like Diljit, but मैं अभी तक उसको मिली नहीं हूँ तो Diljit I think. Okay. अच्छा मुझे लगा था ये पूछेगा चलो मैं पूछ लेती हूँ बॉलीवुड में कौन सा है अब बॉलीवुड रिसेंटली विकी कौशल ऑल राइट हाँ भाई हाउ इज द जोश हाय सर ऑल राइट अच्छा खाने की फेवरेट जगह कौन सी है आपकी अमृतसर में एनीथिंग विच इज मेड बाय मी मुझे अपने घर पे कब इनवाइट कर रहे हो अभी चलो यार गूगल काम के सामने खड़ी मैं आपको सब कुछ बना के खिलाऊंगी ये बेस्ट है ये बेस्ट है So I love making pancakes and all. मुझे डेजर्ट कुक करना बहुत अच्छा लगता है The family के सब तो डांट किधर को पैंती है माता श्री ज्यादा बोलन दे पापा को लो पहनती है मतलब वो कहते हो चुप कर जा बस कर यार खेड़ा छाड़ दो सवेर तो बोल दी भाई है मतलब तू थक दी नहीं मेरे को मेरे पैसे मिलते हैं एग्जैक्टली मम्मी बस एवी डांट दी हम वो तो सबका मतलब जिसको बोलते हैं ना जगत दुखड़ा ये सबके साथ ही है तुम जितने मर्जी बड़े एग्जैक्टली तुम जितने बड़े अंबानी बन जाओ लेकिन घर पे तुम अपनी मम्मी का बच्चा ही हो तो तुम्हें सुबह सुबह ब्रेड मटर पनीर सब कुछ लाने के लिए भेजा जाएगा तुम नहीं लाओगे तो तुम्हें गालियां भी पड़ेंगी पुदीना यस विद फ्री मिर्ची बिल्कुल अच्छा आपको ऐसी कौन सी जगह लगती है व्हिच इज द मोस्ट अनडिस्कवर्ड प्लेस ऑफ अमृतसर एज आई सेड कि देयर इज दिस वन मंदिर इन गुरु बाजार एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मंदिर राधा कृष्ण का मंदिर है वो जो मुझे लगता है कि लोगों को जाना चाहिए आर्किटेक्चर देखना चाहिए वो बहुत पुराना मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है बहुत लोगों ने डिस्कवर नहीं किया हुआ वो सारी चीज़ें दरगाह भी है ऐसी सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि लोगों को एक बार जाके देखनी चाहिए जो हाइप्ड जगहें हैं ना उनके ऊपर मत जाओ जाओ एक बार देख लो जो वो भी हाइप एक रीजन की वजह से है बट बाकी जगहों को भी इग्नोर मत करो उनको इंडस्ट्री में से आई डोंट थिंक एनीबॉडी आई डोंट थिंक बिकॉज मेरी इंस्पिरेशन
मेरे मेंटोर ही रहे हैं, मेरे पीएचई रहे हैं. मैं हमेशा उनको देख के इंस्पायर होती हूँ, उनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है. सो आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम परवेज की जैसे वो बोलते हैं, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग थी. एंड आई जस्ट सी हिम एज अ गुड जॉग, एज अ गुड मेंटोर. तो आई ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम. ऑल राइट. एंड व्हाट म्यूजिक इज टू यू? बिकॉज रेडियो और म्यूजिक का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. वाओ, म्यूजिक इज थेरेपी फॉर मी. आई एम सैड, आई एम हैप्पी, आई एम ग्लूमी, आई एम ड्राइविंग. म्यूजिक इज इन माई ब्लड, इट्स इन माई वेन्स. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो मुझे दो दिन खाने के बिना रख लो, पर मुझे दो दिन गानों के बिना मत रखो. मुझे गाने चाहिए ही चाहिए. इट्स इन माई सोल. मुझे आई स्पेशली अब दो साल हो चुके हैं रेडियो मिर्ची में, तो इतने पंजाबी गाने सुन लिए, अदरवाइज आई नेवर यूज टू लिसन. अब मुझे लगता है दिल्ली बॉम्बे चले जाओ, पंजाबी गाने चला दो कहीं तो प्लीज. जब तक वो ढम ढम पंजाबी ना चले. या वैसे भी पंजाबी कहीं पे भी बाहर चले जाएं तो आपका एक वो पंजाबी गाना लगने की देर है, उसके बाद देखो कैसे इकट्ठे होके सारे भंगड़ा करते हैं. ये चीज तो होती है. कोई ऐसा डायलॉग जो तुसी बहुत ज्यादा मार दे रहे हैं हर किसी को? अबे चल. क्या बात है. And भाई साहब. So मतलब in all my conversation I always use भाई साहब. ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा. And अबे चल यार. सही है. अच्छा कौन सा ऐसा गाना है, बिकॉज हमने गानों के बारे में काफी बात की, तो कौन सा ऐसा गाना है जो आपको और आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है इन अ वेरी परफेक्ट मैनर, जो आपको लगता है ये मेरे लिए बना है सॉन्ग? I'm sexy and I know it. Oh wow. I'm sexy and I know it. सही है. Great. हम लास्ट आड़ी वारी आंदी है, एक ट्रिकी क्वेश्चन दी ते एक टंग ट्विस्टर दी. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਚੁਆਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਚੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ. ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣਾ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਪਹਿਲੇ. ਚੰਦੂ ਕੇ ਚਾਚਾ ਨੇ ਚੰਦੂ ਕੇ ਚਾਚੀ ਕੋ चांदनी चौक पे चांदी के चमचे से चटनी चटाई. सो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी चम्मच से चटनी चटाई. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी चम्मच से चटनी चटाई. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक से चांदनी के चम्मच में चटनी चटाई. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक से चांदनी चम्मच में चटनी चटाई. 5 मिनट बोल दिया. बोलता बोल ही दिया किसी तरीके से. बीच बीच में थोड़ा सा लगा था, बट देखो आरजी को फंबल माफ होता है. संभाल लिया उसके बाद आपने. खैर, अच्छा बारी आती है मेरे ट्रिकी क्वेश्चन की. तो ट्रिकी क्वेश्चन है, एक आदमी की 6 उंगलियां हैं, तो लोग उसको शेरा कहते हैं, ऐसा क्यों? उसका नाम रखा होगा यार शेरा. यही है इसका सही जवाब. उसका नाम था शेरा, इसलिए लोग उसको शेरा बुलाते थे यार. मतलब उसका 6 उंगलियों से कोई लेना देना नहीं था. अब ऐसे ऋतिक रोशन का भी कोई लेना देना नहीं है ना 6 उंगलियों से. एग्जैक्टली. अब ये तो उसकी चॉइस थी कि निकल, मतलब आगी तो आगी, पर चलो उसका नाम है तो उसको बुला लेते हैं शेरा लोग. बहुत बढ़िया लगा थोड़ा आज गलबात करके, बहुत मजा आया. यस, बहुत ज्यादा मजा आया. और आपने हमें इतनी वैल्यूएबल एडवाइसेस दे दी, आपने हमें इतनी सारी जगहें बता दी आपने. आई जस्ट कांट वेट. आप बस अब आप बस जाओ, मैं खाने जा रही हूँ. नहीं यार, मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे चॉकलेट रोल्स मिलते हैं, वहाँ पे खाने जाना, ठीक है? अच्छा. और कुलचे तो मस्ट है, विद लस्सी जरूर खाना, ठीक है? आई कॉल इट पंजाबी एनेस्थीसिया, ठीक है? यस यस यस, इट इज. और यहाँ पे बहुत ही अच्छे एक पिज्जो के कुलचे मिलते हैं, ठीक है? सो बेसिकली आई थिंक वो सिर्फ अमृतसर के अंदर ही बनते हैं, एंड दे आर वेरी गुड, वेरी यम्मी. सो आपको मेरी बातों से पता लग गया होगा दैट आई एम अ बिग टाइम फूडी, इसलिए वेट कम करना बहुत मुश्किल है. नहीं, आप इतने अच्छे कुक हो जैसे कि आप बता रहे हो, तो फिर ऑफ कोर्स अब जिसको खाने पीने का शौक होता है वही अच्छा कुक बन सकता है ना. एक ये भी बहुत बड़ी चीज है, जिसको खाने पीने का शौक हो और जिसको खिलाने का शौक हो. Yes. वो बहुत अच्छे कुक बन सकते हैं. बिल्कुल, जैसे हमें खाने पीने का या खिलाने का इतना मतलब कुछ है नहीं. नहीं, मुझे खिलाने का भी बहुत शौक है. मैं बहुत अच्छी खातिरदारी करती हूँ. चलो यार घर चलो तो मैं बनाती हूँ. यही सुनना चाह रहे थे हम. आप बहुत अच्छी खातिरदारी करती हैं और आप इतनी अच्छी, आप बेकिंग भी करती हैं, आप डेजर्ट्स भी बनाती हैं, तो बस फिर अब वेट किस बात की है. सर आप कर दो पैकअप, हम चलते हैं मिर्ची सैम के साथ, वो हमें बना के खिलाएंगे कुछ स्वाद स्वाद सा खाना. और एग्जैक्टली, ठीक है यार, चलते हैं, दे देंगे हम, टेंशन की क्या बात है यार. हाँ, और आपने बहुत अच्छी चीजें भी बताई हैं आपने व्यूअर्स को, जो मुझे भी नहीं पता थी, और आई एम श्योर बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी कि अमृतसर में कौन सी ऐसी जगहें हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं और लोग कभी गए नहीं और उन्हें जाना चाहिए. सो थैंक यू सो मच. We had
सो मच फन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई रियली होप कि अमृतसर आपको बहुत अच्छा ट्रीट करे एंड यू ना बहुत सारी जगह घूमो. थैंक यू. थैंक यू.